नमस्कार, न्यूज़ 111 में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ पूजा वर्मा। भारतीय इतिहास में महिलाओं का योगदान हमेशा से देखने को और सराहनीय मिला है। महिलाओं ने कई योगदान किए हों, या फिर वो कला के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या फिर कह ले कि किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाओं का योगदान हर वक्त हर समय देखने को मिला है। तो ऐसे ही कुछ दमदार महिलाओं के योगदान के बारे में हम आपको बताते हैं। मदर टेरेसा का नाम तो हम सबको याद है। उनका जन्म 26 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था। मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन थी, पर इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता ली। इन्होंने गरीब, अनाथ और रोगियों की देखभाल के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो इनके जीवन काल में 123 देशों में फैल गया। तो इन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु 15 सितंबर 1997 को हुई। इसके बाद पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इन्हें संत की उपाधि दी। तो वहीं बात करें दूसरी महिला इंदिरा गांधी की तो कांग्रेस की मशहूर शख्सियत पंडित जवाहरलाल नेहरू की संतान इंदिरा गांधी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली थी। इंदिरा गांधी को उनकी गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के बाद मिला था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी हमारे साथ नहीं है। इन्हें लौह महिला भी कहा जाता था, पर इनकी उपलब्धियां हम सबको याद है, जैसे भारत की बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, परमाणु कार्यक्रम आदि। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कमजोर वर्ग व किसानों को कम ब्याज दर पर लोन देश में मिलना, फिर हरित क्रांति का आना, स्माइलिंग बुद्धा के छदम नाम से इसके कार्यकाल में 1974 में एक भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया गया था। वो राजनीति की निशांत खिलाड़ी थी, तो विरोधियों को खामोशी से धूल चटा देने में इन्हें महारत हासिल थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन भी इनकी बुद्धिमता के कायल थे। बात महिलाओं की हो रही है तो हम अंतरिक्ष की सैर क्यों ना करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला की। अंतरिक्ष की सैर करने वाली कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। उनके पिता उन्हें टीचर या डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर कल्पना चावला बचपन से ही अंतरिक्ष की सैर करने के सपने देखती थी। मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री लिस्ट में शामिल हुई। नवंबर 1957 को अंतरिक्ष सटल कोलंबिया की अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली यह दूसरी भारतीय थी। तो वहीं हम चौथी महिला की बात कर रहे हैं, अमृता शेरगिल। भारत की प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म 1915 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनके पिता भारतीय एवं माता हंगरी मूल की थी। 8 वर्ष की उम्र में पियानो वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवास पर भी हाथ आजमाने लगी थी। 22 वर्ष की उम्र में वह तकनीकी तौर पर पूर्ण रूप से चित्रकार बन गई। यह मुगल व पहाड़ी कला के साथ अजंता कला से प्रभावित थी। इन्हें भारत का सबसे महंगा महिला चित्रकार भी माना जाता था। 20वीं सदी के इस प्रतिभावान चित्रकार को भारतीय पुरस्कृत संरक्षण ने सन 1976 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की सूची में शामिल किया था। इनके चित्रों से भारतीय कला झलकती है। 1941 में मात्र 28 वर्ष की आयु में गंभीर रूप से बीमार होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को एक अपनी छवि बनाने में अक्सर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ऐसे ही कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में, या हम कह लें पिछले कई दशकों में, या फिर हम कह लें इतिहास में, महिलाओं ने एक कर्तव्य निभाया और एक अपना परम योगदान दिया है समाज के उत्थान को लेकर। तो ऐसे ही और कुछ महिलाओं के बारे में चलिए जानते हैं। लक्ष्मी सहगल। 1914 में एक परंपरावादी तमिल परिवार में जन्मी लक्ष्मी सहगल पेशे से डॉक्टर थी। मद्रास मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद सिंगापुर चली गई, जहां ये सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में शामिल हुई। वे आजाद हिंद फौज की अधिकारी तथा आजाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी। भारत सरकार ने 1939 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। लक्ष्मी सहगल को दिल का दौरा पड़ने के बाद कानपुर के एक अस्पताल में 23 जुलाई 2012 को निधन हो गया। तो वहीं पंडित रमाबाई 23 अप्रैल 1898 को संस्कृत विद्वान अनंत डोगर के घर जन्मी रामबाई एक कवित्री होने के साथ भारतीय महिलाओं के उत्थान की समर्थक भी थी। उन्होंने ब्राह्मण होने के बावजूद गैर जाति में गैर ब्राह्मण बंगाली वकील विपिन बिहारी दास से विवाह किया। आर्य महिला सभा की स्थापना की। वह एक समाज सुधारक थी जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। संस्कृत भाषा और साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में उनके ज्ञान को व्यापक रूप से जाना और सराहा जाने लगा।
वहीं उनकी संस्कृत सीखने की मान्यता हो जाने के कारण बाद में आगे चलकर उन्हें पंडित यानी ज्ञानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन विवाह के 2 वर्ष के भीतर 5 अप्रैल 1922 को ही उनकी मृत्यु हो गई और अपने पीछे एक छोटी बच्ची को छोड़ गई। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली अरुणा असाफ अली की, जिनका जन्म 16 जुलाई 1909 को पंजाब के कलका में हुआ था। लखनऊ और नैनीताल से शिक्षा पूरी करने के बाद वह कोलकाता में अध्ययन करने लगी। अरुणा असाफ अली आजादी की लड़ाई में एक नायिका के रूप में उभर कर सामने आई। उनकी पहचान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई। बात इनकी उपलब्धियों की करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका दिल्ली की प्रथम मेयर, 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी वो एक दल से दूसरे दल से जुड़ती रही। 1998 में वह दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर बनी। वहीं इनका निधन जुलाई 29, 1996 में हुआ। तो हम ही अटैया के बेगम अख्तर को कैसे भूल सकते हैं। बेगम अख्तर 7 अक्टूबर 1914 को जन्मी अख्तरी बाई फैजाबाद अपने समय की प्रसिद्ध ठुमरी व दादरा गायक थी, जो बाद में बेगम अख्तरी के नाम से जानी गई। इन्हें मल्लिकाए गजल भी कहा जाता था। बता दें कि भारत सरकार की ओर से पद्मश्री तथा मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें दादरा ठुमरी व गजल में महारत हासिल थी, तो वहीं इन्हें मल्लिकाए गजल के खिताब से भी नवाजा गया था। 2014 की फिल्म डेर इश्किया में विशाल भारद्वाज ने बेगम अख्तर की प्रसिद्ध ठुमरी हमरी अटरिया पे का आधुनिक रीमेक रेखा भारद्वाज की आवाज में प्रस्तुत किया है। ये आज भी हमारे कानों को सुनने में बेहद पसंद आता है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। तमाम ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।